अरे आंटी, ऐसा क्या हो गया है? मैं तुम्हें बताती हूँ ना, नीचे तो चलो, ऊपर सुन लेगी वो। अच्छा आप प्लीज मेरा हाथ तो छोड़िए। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, इस लड़की से दूर रहो, इससे हमदर्दी वमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी इसके साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार खुद है। मैं कौन सा उससे फ्रेंडशिप करने गई थी? मैं तो सिर्फ उसकी तबीयत मालूम करने गई हूँ। आइंदा ख्याल रखना, बहुत मगरूर साजिशी खुदगर्ज औरत है, इधर की उधर करती रहती, आग लगाती रहती। तुम्हें कभी भी बेच कर आए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। What? मुझे क्यों बेचेगी वो? अरे ऐसे ही कहते हैं बातों में, समझा कर। बस मैंने कह दिया, रूमी और उसकी बच्ची से दूर रहो। ओके, मगर रुमैसा तो मुझे ऐसी नहीं लगती। अरे बेटा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा घर देखा, कैसा लगा? ओके है। मुझे यकीन था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आओ तुम्हें किचन दिखाओ। नहीं नहीं आंटी, अंजुम सुबह मुझे विजिट करवा चुके। अच्छा 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 आंटी, मुझे भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट कब रेडी होगा? कौन सा प्लेट? सुबह का नाश्ता। अच्छा तो यूं कहो ना, अंग्रेजी आती होती तो मैं यहाँ आती क्या? वैसे दुल्हन नाश्ता पहले दिन दुल्हन के घर से आता है, इसलिए आज कुछ नहीं बना। ये कैसा रिवाज है? हमारे यहाँ यही रिवाज है, तुम्हें नहीं मालूम होगा। जीनत नाश्ता बनवा रही होगी, फोन करके पूछ लो। ओके, मैं करती हूँ कॉल उन्हें। बड़ी हमदर्दियाँ चल रही। थैंक यू सो मच माँ, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे लिए नाश्ता बनवा के लिए। बैठे ना बैठे, बड़ी तेज सर्विस रही आपकी, बस इसकी जरूरत नहीं थी। मगर क्या करें, रस्में रस्में होती है ना, हम इन पर अमल ना करेंगे तो कौन करेगा? ठीक कहा शगुफ्ता आपने, मगर हमारे यहाँ ऐसी फजूल रस्में नहीं होती। क्या करें, बेटी इस घर में बह आई है, आपका हुक्म सर आंखों पर। तुम बताओ वहाँ कैसी हो, किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है यहाँ? नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम बेफिक्र रहो बहन, ये मेरी बहू नहीं अब बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमेशा, अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, खामखा आप सबको परेशान कर दिया मैंने, माफी मांगती हूँ उसके लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। मैं तो ये चाह रही थी कि कोई खुशखबरी हो। नहीं माँ, वो खुशखबरी नहीं, अफवाह थी। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हानिया तो है ना मेरे पास। ये तो बहुत अच्छा किया तुम्हारे भाई ने। भाई? हानिया रूमी के भाई की बेटी है। वो दरअसल आपसे शाजिया ने झूठ बोला था, बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं है। एक्चुअली मैंने हानिया को शादी से पहले अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए शाजा ने आपसे झूठ बोला, कहीं आप कुछ गलत ना समझे। अब समझे, शायद इसलिए रोहान ने कभी जिक्र नहीं किया। बहू अब ये हानिया ना मां छोड़ो, ये जो नाश्ता लाए वो जाके लगाओ और सिर्फ चाय बनाना। जी। क्या बताऊं जीनत बहन, इसकी भाई की तो चलती नहीं है। बाप की शेह पर गोद ले आई ये बच्ची। आपने कभी देखा ना सुना होगा कि कोई दुल्हन किसी की बच्ची को गोद लेकर ससुराल रुखसत हो रही हो। क्या बताऊं, मैं तो इस लड़की से बहुत तंग, सारा सारा दिन आराम का बहाना कर कमरे में घुसी रहती है और दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए जानबूझकर बेहोश हो जाती है। माँ ये सारी बातें तो होती रहेंगी, चलिए आए ना, मैं आपको अंजुम से मिलवाती हूँ, अपना रूम भी दिखाती हूँ। Sure, let's go. हाँ हाँ जाओ, अपना ही घर समझना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मामा, नाश्ता बहुत जबरदस्त था। यू आर वेलकम। चलिए मामा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। हाँ क्यों नहीं, चलो। तुम क्यों जा रही हो बहू? क्या मतलब आंटी, अपने घर जाने के लिए मुझे पूछने की तो जरूरत नहीं है। मेरा मतलब था कि हमारे यहाँ ना दुल्हन का पहले दिन मैके जाने का रिवाज नहीं, वलीमे के बाद ही दुल्हन मैके जाया आज तक। कम ऑन आंटी, आप भी किस दौर की बात कर रही हैं?
ये रिवाज और रिवायत तो होते ही बदलने के लिए, क्यों माँ? ठीक है रिया वहाँ, अगर दुल्हन पहले दिन मायके चली जाए तो क्या मजाक है उसमें? जाने देना अम्मी, एक ही दिन की तो बात है, अपने घर को मिस कर रही है माँ, और वैसे भी कल वलीमा है। ठीक है, जब आप तीनों एक साथ हो गए हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, तुम जा सकती हो बहू। अल्लाह हाफिज़। हाय मामा, मैं आप लोगों को बात तक छोड़ दूँ। हाफिज़ आंटी, हाफिज़। इनकी जगह मैं या मेरी फैमिली होती तो आप तो जमीन आसमान एक कर चुकी होती। मैं पूछती हूँ, मुझसे पहले तुमने कैसे इजाजत दे दी जाने की? अरे कुछ तौर होते, तरीके होते। बीवी की मोहब्बत में ये मत भूल जाओ कि माँ की भी कोई हैसियत है घर में। अम्मी आप क्यों खामोखा बात का पतंगड़ बना रही है? क्या हो गया अगर माँ में एक दिन अपने घर चली गई है? कौन सी कयामत आ गई है? अरे बात उसूलों की है, मैं सास हूँ उसकी, मेरी मर्जी से वो मैके जाएगी और आएगी। अमीर घर की है तो क्या हुआ, जो जी में आए करती फिरे। अरे इस घर के उसूल हैं, तौर तरीके हैं, अपने पैसे के बल पर मेरे घर का नक्शा बदलने की कोशिश मत करे। कान खोल कर सुनो अंजू, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, इस घर पर मेरी हुकूमत चलती है, उसे अच्छी तरह समझा दो। अगर वो मेरे फैसलों के आड़े आई ना तो मैं उससे आड़े हाथों लूंगी, समझे? कहाँ फंस गया हूँ मैं? अभी से हाल है तो ना जाने आगे जाके क्या होगा। वहां को हम समझा कर इस घर की बहू तो बना कर ले आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सब बर्दाश्त कर पाएगी। यही तो मैं सोच रहा हूँ भाभी, कल को उसे अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना है, पता नहीं अम्मी से उसकी आजादी बर्दाश्त होगी कि नहीं। यही तो मैं देखना चाहती हूँ, अपनी मोहब्बत और बच्ची की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने, लेकिन अब देखना यह है कि माहम जैसी लड़की कुर्बानियां दे पाएगी भी या नहीं। अंजुम डिनर पर आ रहा? आ रहे, वो रास्ते में। अच्छा, मैंने खाना बनवा दिया, तो ऐसा करो चेक कर लो कोई कमी ना रह जाए। चलो मैं देख लेती हूँ। और वलीमे की तैयारी पूरी है? किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। जी माँ, आप सारी तैयारियां मुकम्मल, आप फिक्र नहीं करें। ओके। एक और बात, मुझे शगुफ्ता काफी डोमिनेटिंग औरत लगी है, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ इस तरह करे, क्योंकि जिस तरह उसने रूमी जैसी स्पोर्ट्स वुमन को तंग करके रखा हुआ, कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी यही सलूक करे, इसलिए उससे मोहतात रहना। नो वे माँ, एक ही दिन में मैं उस घर वालों की नेचर अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ, और मैं भी कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं हूँ। और अगर शगुफ्ता आंटी ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। जस्ट बी केयरफुल। हाँ अम्मी, वलीमे की सारी तैयारियां मुकम्मल है, और आपने जो कल डिशेस बढ़ा दी थी ना, वो मैंने कैटरिंग वाले को बता दी। ठीक है, बस हर चीज उम्दा और आला होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती जीनत को कोई मौका भी दो। अम्मी आला और उम्दा चीजों के लिए ना पैसे खर्च होते हैं, और हम उन लोगों जितने अमीर तो है नहीं कि पानी की तरह पैसे बहाते जाए। अंजुम ने जितने पैसे दिए थे सब खर्च हो गए हैं। बस हर वक्त तुम पैसे का रोना रोया करो, अरे दिल बड़ा करो, दुनिया को भी मुंह दिखाना है, न जाने उनकी तरफ से कौन कौन आए वलीमे में। अम्मी ये ने मिठाई खाई। अरे शुक्र है, बड़ी देर से मीठा खाने को जी जा रहा था। बस कहाँ से आई मिठाई, कौन लेकर गया? वो आपकी सहेली है ना सलमा खाला, उनके घर पोता हुआ है, उसी की खुशी में। एक मैं पानी लेकर आती हूँ। दूसरी बार दादी बनी है सलमा, एक मैं हूँ जो अब तक पोते पोतियों को तरस रही। ये नमी पानी भी, दफा हो जाओ तुम भी। Thank you.
अरे आप कब आए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इसे बेड पे ना सुलाया करो। हाँ मैं काम कर रही थी इसलिए यहाँ पे लटा दिया इसे। वजह नहीं सुननी मुझे, उठाओ इसे अपने बेड पे सुलाओ। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस मासूम पे इतना गुस्सा आ रहा है, वैसे ही मूड ऑफ है। प्लीज यार आराम करने दो मुझे। भाभी शुक्र है जोया उठ गई तुम। तो और क्या करती, अम्मी झाड़ू से मारेंगी तो उठना तो पड़ेगा। वैसे सॉरी, शादी की थकान इतनी हो रही है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही। बस कुछ ही दिन की तो बात है, वलीमे की तकरीब हो जाए तो समझो शादी भी खत्म। हानिया किधर है? नाश्ता लगा दूं तुम्हारे लिए? हाँ भाभी प्लीज, बहुत भूख लगी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेकअप के लिए कब जाना है? वैसे सारे काम खत्म हो जाए तो फिर 3 बजे तक चलेंगे। चले ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, खाना लगा दो। ओके जोया, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी वो मैं हेयर पिंस ढूंढ रही थी। याद है ना मैं पार्लर जाना है और आंटी ने कहा था 8 बजे से पहले पहले हमें हॉल में पहुंचना भी। अब चलो ठीक है, बनाते रहो बहाने, फिर जब मेरी शादी हो जाएगी किसी और से तो बैठे रोते रहना तुम। बाय। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, कल की तकरीब कितनी अच्छी हुई है। शुक्र है खुदा का कि वलीमा हो गया, ना मेरे तो सर में ही दर्द हो गया था। अच्छा जनाब, वहाँ तो बहुत बढ़ चढ़ कर कैमरे में मेरे साथ पोजेस दे रहे थे। क्या करें, शादी की पिक्चर्स की एल्बम भी तो जरूरी होती है, यही तो यादें हैं जो हमेशा साथ रह जाती हैं। और वैसे भी कौन सा मैंने शादी बार बार करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? वहां मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत हो गया अंजू, मुझे पता है कि तुमने मुझको तंज किया। महम तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने ऐसे कब कहा, तुम गलत सोच रही हो। महम मेरी बात तो सुनो। जानती हो तुम्हारी नाराजगी पर कितना परेशान हो जाता हूँ मैं। बात दरअसल यह है कि मैं तो आना चाहता था अंजुम के बनने पर, मगर ऑफिस में काम काफी था तो आ नहीं सका। कौन है तुम, मोहसिन नाम है तुम्हारा? हेलो तुम मेरे पीठ पीछे ये खेल खेला जा रहा है। कामिल पहले मेरी बात सुन ले। बकवास बंद कर तुम। क्या ये सब? मैं पूछता हूँ क्या ये सब? फोन तो तुम्हारे पास था। ये
तुम्हारी में छुपा हुआ फोन किसका है? कामिल मैं मौसम का नाम मैं पूछता हूँ कौन है मौसम जिससे छुप छुप के बातें करती हो तुम? कामिल आपको कोई गलत फहमी हुई है, पहले मेरी बात सुन लें। गलत फहमी नहीं, धोखा, धोखा कहते हैं इसे। मत का नाटक मेरे साथ कर रही हो तुम और मेरे पीछे इतनी घिनौने साजिश कर रही हो तुम। क्यों कर रही हो सब? मैं पूछता हूँ क्यों कर रही हो सब? कामिल आपको गलत फहमी हुई है, ये फोन मेरा नहीं है, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन लें। झूठ तो फिर सच क्या है? ये कमरा तुम्हारा, ये अलमारी तुम्हारी, इसमें छुपा हुआ फोन तुम्हारा, मोहसिन कौन है? मैं पूछता हूँ ये मोहसिन कौन है जिससे छुप छुप के अफेयर चला रही हो तुम? मोहब्बत का नाटक उसके साथ कर रही हो, मेरे साथ? क्या हो गया है आपको? जज्बात में आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, पहले मेरी बात तो सुन ले। इस मोहसिन से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, मैं आपसे सच कह रही हूँ, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुने। झूठ बक रही हो तुम, इतने अरसे मोहब्बत का नाटक करती रही हो तुम कामिल, और मैं सारे जमाने से तुम्हारे लिए लड़ता रहा हूं, और तुम क्या समझी थी? इस दफा भी चुपचाप सब देखता रहूंगा मैं, और नहीं रूंगी। आज पूरे घर के सामने तुम्हारा भांडा फूट करेगा। कामिल क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा। अरे ये शोर कैसा है? हाथ छोड़े मेरा। तुम जोया क्या हो रहा है? मैं कहती हूँ हाथ छोड़े मेरा। क्या कामिल मेरी बात सुने, हाथ छोड़े मेरा। क्या हो गया आपको कामिल? क्या हो गया आपको? अरे क्या हो गया कामिल, इसने ऐसा क्या गुल खिला दिया जो उसकी जान के दर पे हो गए हो? गुल नहीं, गुल छड़े उड़ा रही थी ये, हम सब की आंखों में धूल झोंक कर। खुदा के लिए बस कर दे, अब आप मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं? बहुत सुन लिया तुम्हारी बात, सारी जिंदगी तुम्हारी तो सुनता आया हूं मैं। तुम्हारी खातिर अपनी मां तक से लड़ाऊं मैं, ताकि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकूं, तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पल खूबसूरत बना सकूं। तुम्हारी खातिर मैंने एक लावारिस बच्ची को अपने सीने से लगाया है, तुमने मेरा एतमाद तोड़ के मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मेरा दिल, मेरा एतमाद, मेरा भरोसा चकना चूर कर दिया तुमने, दिल कर दिया तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या हो गया आपको? छोड़े उन्हें भाई, क्या हो गया आपको? रहने दो अंजू, मैं भी देखना चाहती हूँ जिस शख्स से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ उसके हाथ से मार खाना कैसे लगता है। मोहब्बत का नाम ना लेना अपनी जुबान से। भाई खुदा के लिए बताएंगे कि बात क्या है? भाई भाभी अम्मी क्या हुआ है, कोई तो बताए। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरूर इसने कोई ओछी हरकत कर डाली होगी जो यूं गुस्से से पागल हो रहा है ये। हाँ पागल हो गया हूँ मैं, इस दुनिया को जला कर राख कर देना चाहता हूँ मैं। अरे जिसकी बीवी इतनी पाक, इतनी पारसा बनती हो और छुप छुप के किसी और से अफेयर चला रही हो, वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? ये सब झूठ है आंटी। झूठ तो ये मोबाइल फोन भी झूठ है, इस पे जो मोहसिन नाम का शख्स बेगैर कॉल करता है वो भी झूठ है, जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है वो भी झूठ है, बोलते नहीं तुम? अरे अब चुप क्यों, मुंह में मूंग भर लिए क्या? जवाब क्यों नहीं देती, जवाब दो। कब से अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों का जवाब देना चाहती हूँ मैं, आप मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, बस जो दिल में आ रहा है बोलते जा रहे करते जा रहे, मेरी बात तो सुन ले। अरे बदबक कुछ कहने को होगा तो कहेगी ना तू, ये लच्छन है तेरे। अरे इतने प्यार करने वाले शोहर के होते हुए किसी गैर मत से नेन मटक के करते हुए तुझे जरा लाज नहीं आई बेगैरत कहीं की? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ आंटी। अरे तो फिर ये क्या सवाब का काम है, ये लच्छन है तेरे। अरे मैं तो कहती थी पहले दिन से कामिल इस लड़की के चक्कर में न पड़, लेकिन तूने मेरी बात न मानी, अब देख ले कैसे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। या खुदा ये दिन देखने से पहले मेरी रूह क्यों नहीं कब्ज कर ली? आप सब लोग जो समझो ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मरना तो गवारा कर सकती हूँ लेकिन कामिल के सिवा किसी और का तसव्वुर नहीं कर सकती मैं। अपनी नापाक जुबान से मेरा नाम ना लेना। रूमी कामिल कब से कह रहा है कि ये फोन तुम्हारा है और तुम मुसलसल इनकार कर रही हो, ये मोहसिन है कौन, क्यों तुम्हारा नाम लेके कॉल कर रहा है? भाभी अगर आप बेकसूर हैं तो फिर ये सब क्या है, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? हाँ बता, क्या ताल्लुक है तुम्हारा से? खुदा की पना, मैं तो समझी थी किट-किट की वजह से इसकी चाल जरा टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये इस कदर बेहया आवारा निकलेगी मुझे अंदाजा नहीं था। यही तो मैं सोच रही थी कि ये छत पर घंटों किससे फोन पर लगी रहती है। अरे मैं तो इससे आस लगाए बैठी थी कि ये मुझे पोते पोतियों से नवाजेगी, ये इतनी बेशरम निकलेगी मुझे पता नहीं था। अब देख लो होश ठिकाने आए ना तुम्हारे, इसी की खातिर मेरी गर्दन पर पैर रख के शादी करती थी तुमने से, और इसने भी धोखे से शादी करवाई थी
इसी की वजह से उस लावारिस बच्चे को जगह देने थे उनने घर पर, अब क्या अंधेर मचा दिया इसने? इसकी मोहब्बत की खातिर आपसे झूठ बोलता रहा हूं। ये कभी मां नहीं बन सकती। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? यानी तुम दोनों? आमी झूठ बोलता रहा हूं मैं आपसे, कभी मुझे औलाद नहीं दे सकती। कामिल, अरे करम जली, तुझे ऐसी घिनौनी हरकत करते शर्म नहीं आई? क्या सोच कर किया सब तुमने? क्या हमें मालूम नहीं होगा? अरे बाहर किसी से चक्कर, अंदर ये सब चक्कर कि औलाद नहीं हो सकती। झूठ बोलते तेरी जबान नहीं थकी। भाभी मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। एक तो अफेयर, ऊपर से इतना बड़ा झूठ, तुम फिर भी अपने आप को बेकसूर कह रही हो? रुमैसा, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। खुदा की पनाह, इसकी वजह से जितनी हमारे घर की बदनामी हुई है किसी और घर में ना हुई होगी। एक काश कामिल रुखसती के वक्त मेरी बात मान लेता, इसे तलाक दे देता, तो आज मेरे घर का यह शर शर नहीं होता। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? दफा हो जा उस लावारिस बच्ची को लेकर, निकल जा हमारे घर से, कोई शर्त नहीं तेरी। अम्मी प्लीज भाभी को कुछ मत कहिए। तू चुप हो जा, खोल उधर दूंगी तेरी। आपने जो भी कुछ किया भाभी, इसके बाद तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। Disgusting, Rumi. I'm utterly shocked. क्या किया तुमने ये? शर्म करो, डूब मरो कहीं जाकर। आप क्या कह रही? होश करें। मैं होश करूं और तुम कब तक यूं बेहोश रहोगे? अभी भी बच्ची को सीने से चिपटाए खड़े हो, न जाने किसकी औलाद है, किसका खून है। इस बच्ची को गोद में देखकर सारा जमाना तुम पर हंसेगा। तब भी यूं ही मुंह में मेंगनियां भरे खड़े रहोगे? अरे मैं तो उस वक्त को रोती हूँ जब तुम्हारे कहने पर आकर रूमी को बहू बनाने का इरादा कर लिया था। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। ये सब आपके साथ मेरी वजह से हो रहा है, आप गुनेगार नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं ही आपकी अलमारी से फोन चुरा कर मोहसिन से चोरी छुपे बात करती थी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मुझे नहीं पता था भाभी कि मेरी नादानी की वजह से आपके किरदार पर इतनी बड़ी तोहमत लग जाएगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों खुद को मुजरिम समझ रही हो? असल गलती तो मेरी है। ना मैं कामिल को तुम्हारे मोहसिन के बारे में बता पाई और ना ही उस फोन के बारे में बता सकी। मैं अपने आप में इतना मगन हो गई थी कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा। भाभी मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, अगर मोहसिन के बारे में सबको सच बताया तो अम्मी और काबिल भाई मुझे जान से मार दे। बहादुर बनो जोया, सच बोल तो। देखो सच कभी ना कभी तो सबके सामने आएगा ना। अगर आज तुमने सच को छुपा लिया और कल झूठ सबके सामने खुल गया तो सिर्फ तुम ही नहीं, कामिल भी उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हो सके तो सच बोल दो, सच बोल दो जोया। मुझ में हिम्मत नहीं है भाभी, कामिल भाई अम्मी दोनों मुझे जान से मार देंगे।
और मोहसिन और मुझे कभी एक नहीं होने देंगे, भाभी मैं मर जाऊंगी। देखो मैंने तुम्हारे खातिर अपना रिश्ता ही नहीं, अपनी इज्जत और अपने किरदार पर भी दांव लगा दिया। सोया, एक औरत दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इज्जत पे लगी हुई तोहमत वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा रिश्ता, मेरा किरदार, मेरी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो मेरी बहन जैसी हो, फिर भी अगर अगर तुम्हें अपनी जान जाने का या अपनी मोहब्बत खोने का डर है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, मैं खुद ये कुर्बानी दे दूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूं। सीरियसली अंजुम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि रुमैसा ऐसी लड़की निकलेगी। आई मीन कामिल की और उसकी तो लव मैरिज हुई थी, उसके बाद किसी और के साथ अफेयर, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि भाभी ऐसी हरकत करेंगी। मैंने तो भाभी को काफी समझदार, ईमानदार और नेक दिल पाया था, और एक दूसरे की मोहब्बत में उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया था। भाभी ने भी अम्मी की हर बुरी बात बर्दाश्त की, तो भाई ने भी सबकी मुखालफत के बाद हानिया को बाप का नाम दिया। लेकिन महम, आज ये सब देखकर अपनी जात से भी यकीन उठ गया मेरा। सच तो यही है अंजुम, जो सामने दिखाई दे रहा है। काबिल ने ना सिर्फ उस बंदे से फोन पर बात की, बल्कि उसका नाम भी जानते हैं। लेकिन मेरा दिल फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है माम, मैं नहीं मान सकता, अभी ऐसा नहीं कर सकती माम। भाई, सच्चाई वो नहीं है जो सबके सामने नजर आ रही है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है। अरे, अब भी कानों में उंगलियां डाले बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे, उस जन्म जली और लावारिस बच्ची को कब तक सीने से लगाए बैठे रहोगे? इसीलिए कहते कि जो माँ की नाफरमानी करता है ना, उसकी अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देख लो, शादी के बाद ना तुम सुकून का सांस ले सके ना हम, सारा घर तहस नहस कर दिया है। अरे उठाओ उस कचरे को, निकाल बाहर फेंको उस बेहया के साथ, ये तो मैं उठाती हूँ। खबरदार, अगर हानिया को हाथ भी लगाया तो जो सजा देनी है मुझे दो। अगर हानिया को कुछ हुआ ना तो जिंदगी भर खामोश नहीं रहूंगी मैं। कामिल, क्या सोच रहे हो? अब इस बेहया की इस घर में कोई जगह नहीं, निकाल बाहर फेंको इसको। कामिल, मैं कहती हूँ धक्के देकर इसको बच्ची समेत निकालो बाहर। बड़ी उम्र में हानिया बनी फिरती है, बेशरम कहीं की। कामिल, क्या मुझे ऐसा समझते? आपको मेरी मोहब्बत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं? अरे बंद करो ये मोहब्बत का नाटक। मेरा बेटा अब तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं, तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। खुदा की सोच समझ कर, कहीं ऐसा ना हो कि हकीकत पता चलने के बाद आपको जिंदगी भर पछतावा रह जाए। कामिल, खबरदार जो उसकी बातों में है, फैसला करो, दे दो उसे तलाक। कामिल, याद है ना आपने एक बार मुझसे क्या कहा था? कामिल, ये अब तुम्हारे काबिल नहीं रही है, किसी गैर मत से इश्क चला रही है, अपने अंदर गैरत जगाओ, तलाक दो इसे। एक मिनट भाई, खबरदार अगर आपने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। अंजुम, तुम दरमियान में मत बोलो। बस अम्मी, बहुत बोल चुकी आप और बहुत सुन चुके हम। खबरदार अगर आपने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। भाभी बेकसूर है,
जो आप लोगों को लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फोन भाभी का नहीं, सोया का। अगर आप में जरा सी भी पेशेंस होती और आप इसमें मैसेजेस पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि जोया और मोहसिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये झूठ है। ऐसा ही हुआ है अम्मी। भाभी ने हम सबको पहले सच बताने की कोशिश की लेकिन आपने क्या, हम में से किसी ने भी भाभी की बात नहीं मानी। लेकिन सच्चाई यही है कि ना उनके दामन पे कल कोई दाग था और ना आज। खाल खींच लूंगी मैं इसकी, जान से मार दूंगी। कहां है वो? अम्मी रुक जाए। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दो रोमी, माफ कर दो। ये वक्त सोया को बचाने का, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी मेरी उसे जान से मार दे। मैं उस बेवकूफ की वजह तुम्हें क्या कुछ कहता नहीं। मैंने कहा है ना, चाहे जाके सोया को बचा। इधर देखो मेरी तरफ, प्लीज खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ है ये बेगैरत? मैं इसका खून पी जाऊंगी। बेगैरत कहीं की आंटी, आंटी प्लीज तुम हट जाओ। ये आंटी, आंटी छोड़े उसे। अम्मी क्या हो गया? छोड़े उसे अम्मी, छोड़े उसे अम्मी, मेरी कुछ प्लीज छोड़े उसे अम्मी, छोड़े। क्या करूं, जान से मारने उसे। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। गलती की वजह से जो मेरे हाथों होने जा रहा था ना, उसमें तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए मुझे। I'm so sorry भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती। अरे गलती हो गई, हमारे मुंह पर कालक मलने चली थी तुम। कमी इसको यहाँ से ले जाओ, वरना ये मेरे हाथों कत्ल हो जाएगी। मैं इसको घर में एक लमानी बर्दाश्त करूंगी। ले जाओ मेरे समझे, वरना मैं इसका गला दबा दूंगी। बस कर दे, अब एक और लफ्ज कोई नहीं बोलेगा। और तुम जाओ अपने कमरे में। मैम इसे आप कमरे में लेके जाए। चलो गलती होगी उससे, माफ कर दे। अरे माफ कर दो। मैं दूसरों की बेटियों को कोसती थी, आज मेरी बेटी ने मेरा सर जन्म से झुका दिया। सारा खानदान मुझ पर दुखेगा। मेरे लिए तो मर जाने का मकाम है, काश जमीन पे भी मैं इसमें समा जाऊं। मैं बस जो हो गया है उसे भूल जाए, आराम करें। अम्मी मैं आपको पानी पिलाऊं? जहर पिला दो ताकि सुकून से मर सको। अम्मी फिर वही बात है, मैंने कहा है ना जो होना था हो गया, अब बस ये सोचेंगे आगे क्या करना है। मैं कह देती हूँ कामिल, मैं जोया को नहीं बख्शूंगी, इसने मुझे धोखा दिया है। अरे इतने नाजों से पाला पोसा, इतनी अच्छी तालीम और तरबियत की, पता नहीं कैसे इन चक्करों में पड़ गई। अरे हमारी पीठ पर छोरा घोंपने चली थी वो, ये कभी तो मैंने सोचा था। अम्मी आप ये क्यों भूल रही हैं कि जोया 2 साल की बच्ची नहीं है, वो अब बड़ी हो चुकी है, और वैसे भी किसी को पसंद करना गुनाह कबीरा तो नहीं है ना। और ये बात छुपाना उसकी कोई गलती नहीं है, वो आपसे इतना डरी हुई थी, हमसे इतना डरी हुई थी, बस नहीं बता पाई खुलकर। तो क्या नाश्ते खाते ये बात बताती मुझे? तुम दोनों तो बेगैरत हो चुके हो, खुद जो मोहब्बत की शादियां करके बैठ गए हो ना, तो अब जोया को किस मुंह से रोकोगे? अरे बजाय उसकी खाल उधेड़ने के मुझे ही समझाने आगे, शाबाश हो शाबाश। अम्मी आज से तो बात ही करना बेकार है। तुमने मेरा इत्मीनान तोड़ के मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मेरा दिल, मेरा इत्मीनान, मेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया तुमने। दिल कर दो, तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या हो गया आपको? छोड़ा उन्हें भाई, क्या हो गया आपको? रहने दो अंजू, मैं भी देखना चाहती हूँ जिस शख्स से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ उसके हाथ से मार खाना कैसे लगता है। मोहब्बत का नाम ना लेना अपनी जुबान से।
खातिर आपसे झूठ बोलता रहा हूं। ये कभी मां नहीं बन सकती। भाई क्या आप क्या कह रहे हैं? यानी तुम दोनों? अम्मी झूठ बोलता रहा हूं मैं आपसे, कभी मुझे औलाद नहीं दे सकती।